हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और बड़ी न्यूज़। एक नई वैकेंसी आई है राजस्थान में। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, क्या क्राइटेरिया रखा है, कब से स्टार्ट होगी ये वैकेंसी, सारी बातें विस्तार से करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वैकेंसीज और अपडेट से आप अप टू डेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जयपुर में नई वैकेंसी आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। क्या क्या कहा गया है इसमें? इसमें ये कहा गया है कि ये जो वैकेंसी आई है इसको 30 दिसंबर 2018 तक आप भर सकते हैं, और ये जो ओपनिंग हुई है इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म। कौन कौन एलिजिबल हैं सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं ये कुछ बातें बता देता हूँ इससे रिलेटेड कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगा। तो दोस्तों, इसमें ना तो कोई रिटन एग्ज़ाम है ना कोई इंटरव्यू है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के 10th और ITI के बिहाफ पे मेरिट डिसाइड करी जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि उसके मार्क्स ITI और 10th में बराबर आते हैं, तो उस केस में जिस स्टूडेंट और जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। और मान लीजिए अगर किसी की डेट भी सेम आती है, तो जिस स्टूडेंट की 10th पहले पास हुई है उस स्टूडेंट को प्रेफर किया जाएगा। तो ये तो बात करी कि अपन ने सिलेक्शन मोड क्या रहेगा, बाकी काफ़ी सारी बातें इसमें और भी बताई गई हैं। आप नोटिस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगा। तो मैंने आपको बताया सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसका मेरिट के बिहाफ पे होगा, 10th और ITI के आपके मार्क्स के बिहाफ पे होगा। अब बात करते हैं कि किस किस डिवीज़न में वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, वैकेंसीज आई हैं अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, फिर ये अपने BTC अजमेर, BTC लोको अजमेर, फिर ये कैरेज वर्कशॉप बीकानेर, फिर कैरेज वर्कशॉप जोधपुर। इनमें ये यूनिट्स हैं जहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। आपको इनमें से सिर्फ एक चूज़ करनी है, एक यूनिट चूज़ कर सकते हैं हर कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो लगभग लगभग अगर सभी जो वैकेंसीज आई हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में सारी अगर टोटल मिला के देखी जाए, तो लगभग लगभग 2090 वैकेंसीज़ हैं। ये बहुत अच्छा मौका है ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिस भी स्टूडेंट ने अपनी ITI कंप्लीट कर रखी है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 2090 वैकेंसी एक साथ आना राजस्थान में बहुत अच्छी बात है, वो भी रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जोन में आई हुई हैं। अब बात करते हैं कि किस में कितनी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं DRM ऑफिस अजमेर में 420 टोटल वैकेंसीज़ हैं। वहीं जो ये DRM ऑफिस बीकानेर है इसमें लगभग लगभग अगर देखें तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं और टोटल जो वैकेंसी हैं वो 412 वैकेंसीज़ हैं। वहीं बात करें कि DRM जयपुर में 503 वैकेंसीज़ हैं। वहीं आप बात कर सकते हैं DRM जोधपुर में जो हैं 410 वैकेंसी हैं, BTC अजमेर में लगभग लगभग 136 तो ये, और इलेक्ट्रीशियन की 30 लगभग लगभग 166 वैकेंसीज़ ये हैं। वहीं दोस्तों, BTC लोको अजमेर में 57 वैकेंसीज़ हैं। वहीं बात करें बीकानेर कैरेज वर्कशॉप में 37 वैकेंसीज़ हैं, जोधपुर कैरेज वर्कशॉप में 85 वैकेंसीज़ हैं। तो ये टोटल अगर देखते हैं तो 2090 के आसपास वैकेंसीज़ हैं टोटल। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो ये रखा गया है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए, जो कैंडिडेट 15 ईयर से तो अबव होना चाहिए, और जो उसकी एज है 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो एज काउंट करी जाएगी ये 30 दिसंबर 2018 तक काउंट करी जाएगी। वहीं दोस्तों, साथ में SC ST OBC वालों को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब कुछ डिसेबल जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ एज के रिगार्डिंग की कौन कौन किस एज के कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट।
तो अपन ये बोल सकते हैं, एक तो उनके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं 10th में वो 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं दोस्तों आपके पास में 10th के साथ साथ ITI की डिग्री भी होनी चाहिए। और वहीं बात करें कि फ़ीस का, तो इसमें 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मोड होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि SC ST वुमेन और PWD के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। साथ ही दोस्तों स्टैंडर्ड फिटनेस भी बताए गए हैं कि क्या क्या फिटनेस होनी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, सारा नोटिफिकेशन डिटेल में बताया गया है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसमें ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाई विजिटिंग www.rrcjaipur.in पर जाकर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एक तो स्कैंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, और स्कैंड सिग्नेचर होने चाहिए। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 30 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक, और 30 नवंबर से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड वगैरह क्या रहेगा इसका। तो दोस्तों जो एज़ पर द एक्सटेंट रूल एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहीं पर इनकी ट्रेनिंग होगी, और वो ही स्टाइपन इनको दिया जाएगा उस पोस्ट पे जितनी ग्रेड पे वगैरह है। साथ ही दोस्तों जो स्टूडेंट्स कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST OBC, उनके लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।